उसके दुख को मिटाना है, और ये दुख को मिटाने की क्रिया करने वाला केवल सामर्थ्यवान व्यक्ति ही हो सकता है। हम मुझे वो बचपना भी याद है, बचपन में एक बार देखा करता था, हम तो साधारण व्यक्ति थे, मेरे पिताजी केवल टीचर थे, हम छह भाई बहन और सब हमारा घर था, सब था, लेकिन हमने देखा है 2 रुपये के लिए भी हमने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि मैंने वो दिन देखने को कैसे चला। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चे को तभी गर्भ से प्रसव करने के बाद 3रे दिन या कुछ अपने बच्चे को लेकर हमारे घर के सामने से गुजर रही थी, और वो हमारे घर के सामने आई। मैं बाहर खड़ा था, माता जी अंदर थी, तो उसने कहा बाबू मुझे खाने को दो ना, कुछ पैसे दो, क्योंकि ये 3 दिन ही हो गया इसका प्रसव होके, आप कुछ दो। मेरे पास मैं खुद कमाई नहीं, पिताजी का अगर पता चलता तो 2 मार देते थे, तेरे खाने के नहीं तो दान देता क्या, ऐसा बोलते थे। अब रह गया कि उसको देख के तो आंखों में पानी तो आया, लेकिन कुछ करने की क्षमता नहीं, क्या दे सकता हूं उसको। तो फिर भी धैर्य करके माता जी के पास गया, माँ कोई वो प्रसव होकर स्त्री आई है, उसको कुछ खाने को दे दो ना। तो माता जी भी आई और कहा खाना चाहती है तो खाने के लिए दे दे। खाने के लिए उसको दिया गया, खाना खा के जा रही थी तो मेरे दोस्त आया, आके उसने देखा, अरे क्या ये भिखारी लोगों को लेके घर में बैठता है यार, आज सुबह खाना मांगते कल सामने आके लूट लेके जाते, तेरी दया को तो कोई आपने आजकल गरीबों को देते हैं क्या, ऐसा उसका कथन था। मैं तो मेरी इच्छा के साथ मैंने जो कार्य करना था वो तो कर दिया। अब उसके वो कहने पर भी मैं दृश्य देते नहीं रह गया। बाद में हुआ क्या कि थोड़े दिनों के बाद वो स्त्री अपनी बच्ची को लेकर फिर वैसे ही भीख मांगने के लिए आई। मैंने सोचा इसको ये आदत पड़ गई है भीख मांगने की, तो भीख मांगती ही रहेगी ऐसा ही। उसने जैसा ही आगा भैया कुछ खिला दो ना, बोले तो परसों ही आई थी आज फिर आई, इसके पीछे तेरा रहस्य क्या, जो ये भीख मांगने किसी दूसरा काम नहीं करती क्या, अभी बच्चा पैदा हुआ है, कुछ काम कर ले सकती तो अच्छा था। तो उसने अपने शरीर के ऊपर का घाव निकाल कर बताया कि वो पट्टी बांधी हुई और उसको खून उसके पाँव से रिझ रहा था। भैया बोला मैं कैसे काम करूँ, फिर भी मेरे आंखों में आंसू आ गए, बोले अब ऐसी स्त्री काम कैसे करें, बच्चे को कैसा पाल रही हूँ मुझे देखते नहीं, मैं पेड़ के नीचे सोती हूँ, उन्होंने एक जगह बताई और उस पेड़ के नीचे सोती हूँ, लोग मुझे सताते हैं, मेरा ऐसी गरीबी है। मैं उस दिन प्रभु सद्गुरुदेव जी के पास गया और कहा प्रभु ये क्या गरीबी देख रहा हूँ, उस स्त्री के लिए कोई सहायक करने वाला नहीं, ऐसे इसकी सहायता कोई ना कोई करें, कोई ना कोई देखें उसकी तरफ। तो उस दिन ये हुआ कि हमारे पास बहुत ही धनवान, मेरे पास मैं तब मेरे बचपन में ही मेरे 12-14 साल से मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन पढ़ाने की जो स्त्रियां आती थी वो स्त्रियां आई, तो तब वो लड़की वो औरत वहाँ खड़ी थी, तो मैंने उन स्त्रियों से कहा आप अगर कुछ ना समझे तो उस स्त्री की हालत देखो अब कैसी, बहुत खराब है, उसके पाँव खराब हो गए, उसने बच्चे को जन्म क्या है गुरुजी, वो बच्चे को कहीं भी जाके किसी पुरुष के साथ जन्म देते हैं, आप ऐसे लोगों पर दया करते, उन्होंने भी ताना मारा मेरे। मैं तो वैसा ही रह गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा मेरी इच्छा है अगर तुम चाहते हो तो मेरे को जो महीने का ट्यूशन फीस दे रहे हो ना वो ट्यूशन फीस आप उनको दे दो ऐसा मैंने कहा। तो क्या प्रभु आपका दे देते, आपके मैं कह रहा हूँ ना मेरी ट्यूशन का आप जो हर महीना देते हो जितना पैसा है उस औरत को दे दो। उस औरत को उन्होंने वो पैसा दे दिया, वो औरत लेकर खुशी से चली गई। बाद में आए गए हो गए बहुत साल होने के बाद मैं हर दशहरा को हमारे गाँव जाता हूँ। तब तक गुरु जी मिले थे, मेरा सारा संसार भी बढ़ गया था, बहुत बड़ा आगे सब कुछ हो गया। तो कम से कम मैं समझता हूँ 20 साल के बाद कोई औरत मेरे सामने आई, आकर उन्होंने मेरे को नमस्कार किया, सब लोग मुझे भी गुरु के नाम से नमस्कार गए थे। वो औरत आई तो बोला मैं आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा आप मुझे पहचानते नहीं क्या? मैं बोला नहीं पहचानता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आज आपको बताती हूँ, उस दिन आपने खाना देकर आपके लोगों के पास से पैसा दिया था, उस जमाने का वो 500 रुपये था, तीनों का ट्यूशन फीस 500 रुपये दिया था, उस 500 रुपये से मैं मेरी बेटी को लेकर फलाना जगह चली गई और वहाँ एक स्कूल में पढ़ाने लगी और उस स्कूल में ही काम करने लगी। मुझे वो पैसा भी नहीं था मेरे पास, स्कूल में पढ़ ली, बच्ची बड़ी हो गई और उसके बाद उसकी शादी हुई और वह अमेरिका चली गई, अमेरिका में उसकी खुद की कंपनी,
अमेरिका में उसकी खुद की कंपनी है। प्रभु आप गलत ना माने तो मैं आपको हर दम याद करती हूं, इसलिए कि मैं आपने जो मुझे सहायता की है वो श्रेष्ठ है, वो तो जीवन भर नहीं भूलेंगी। उस 500 रुपए की उस 500 रुपए का सामना मेरे 5 लाख रुपए भी नहीं करेंगे। मैं आपके चरण में नमस्कार करते करते हुए कहती हूँ मेरे बेटी को और मुझे आशीर्वाद दो। और मैं ये आप जो गुरु कार्य कर रहे हैं, मैं सुना है कि आप गुरु कार्य करते हैं, आपके चरण में 5 लाख रुपए रख रही हूँ। मेरे आंखों में आनंद तो आया ही आया, लेकिन लगा कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुए कैसा। तब मुझे याद आया कि मैंने प्रभु को उस दिन सद्गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि इस स्त्री का उद्धार करो प्रभु, ये गरीब है और इसके इसने कैसी गरीबी काटी है। मेरे दिल में दया आई, छोटा था, कुछ भी बोलो, जो दया आई अपने को देखता था। मैंने प्रार्थना की और उसने कहती और आप सच मानो तो आज हर साल गुरु पूर्णिमा को 1 लाख रुपए वो बेटी आज भी भेजती है, आज भी। केवल यहां दया की दृष्टि से आपके गुरु को प्रार्थना करने की जरूरत है, झूठी प्रार्थना नहीं, सच्ची प्रार्थना। यही प्रार्थना अगर आप देश के लिए करोगे, राष्ट्र के लिए करोगे, और तुम्हारे हर हिंदू समाज, हर सनातन धर्मियों के लिए, जो गरीब है वो सामर्थ्यवान बने, तो मार्ग चलो, मार्ग के ऊपर आगे चलो और उनको मार्ग बताओ कि साधना मार्ग से आप इसको साधना संपन्न कर सकते हो, उसको पूर्ण कर सकते हो। मैं आज आपको यही चाहता हूं कि आप संपन्नवान बने, आप श्रेष्ठ बने, आपके जीवन में कुछ कमी ना हो। मैं आंखें आपके मुख पर कभी भी हंसता हुआ मुखमंडल देखूं, आनंदमय मुखमंडल देखूं। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज सुबह से मैंने हेरम्ब गणपति साधना देकर चिंता मिटाने की बात कही थी। दूसरी बार आपका घर सुखी हो इसलिए मैंने ब्रह्मा का वास्तु मंडल दिया था। अभी आपको कह रहा हूं, आप इस वर्ष जो भी काम करो पैसों के बारे में, उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी ही एक प्रभु सदगुरुदेव की दी हुई लक्ष्मी साधना, जिसने मैंने संपन्न किया और हर साल करता हूं दीपावली में। और वो साधना जो गुरु पूर्णिमा के ऊपर भी, रात में केवल 3 ही माला है, गुरु पूर्णिमा रात में 3 माला केवल करनी है और 3 दिन के लिए। वो साधना जो करता है और गुरु जी के सामने कुछ भी दयनीय भाव से, कृपा से भाव पूछता है कि मुझे लक्ष्मी को प्रदान करो, निश्चित रूप से लक्ष्मी उसको आती है, ऐसी लक्ष्मी साधना। आपके जीवन में मैं इसमें लक्ष्मी यंत्र और लक्ष्मी माला तो सारे गृहस्थों के लिए है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, गुरु जी नौकरी नहीं मिली, या तो नौकरी नहीं मिली, या तो नौकरी मिली तो नौकरी छूट रही है, गुरु जी अगले 8 दिन में मेरी नौकरी छूट जाएगी, या तो व्यापार चल रहा है या व्यापार नहीं चल रहा है, गुरु जी पैसे आने का कोई आवक नहीं है, गुरु जी पत्नी ऐसी कर रही है। ये सारी चीजें जो है, जहां तुम्हारी चिंता मणि गणपति स्थापन हो, हेरम्ब गणपति स्थापन हो, वहां तो चिंताएं मिटी, तुम्हारा वास्तुमंडल ठीक हो। अब चाहिए तुम्हें क्या, लक्ष्मी चाहिए जो स्थिर हो, और तुम अच्छे से हो तो तुम गुरु कार्य कर सकते हो। ऐसी लक्ष्मी प्राप्ति की साधना अभी आपको प्रदान करता हूं, और उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो लड़के आजकल चाहते हैं कि हमें धन कमाने के लिए नौकरी ही मार्ग है, वो लोगों के लिए नौकरी के लिए एक विशेष वस्तु दे रहा हूं, जो लक्ष्मी साधना लेके आते हैं उनको वस्तु मैं प्रदान करूंगा और साधना दूंगा। आज रात में ही केवल आप 3 माला मेरे सामने करो और अगले गुरु पूर्णिमा को आप बोलो कि आपको क्या करने का है, मैं आशीर्वाद देता हूं। उस लक्ष्मी यंत्र को लेकर आप सामने आ जाइए, मैं अभी साधना आपको करवाता हूं। हर एक को जो नौकरी के पीछे, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही, घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं है, ऐसा जो समझते हैं, आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से किसी न किसी मार्ग से आपको होगी, ऐसी साधना, ऐसी लक्ष्मी साधना आपको आज प्रदान कर रहा हूं। कल मैं आगे क्या करना है बोलता हूं, आज तो आपको लक्ष्मी प्रदान करके ही छोड़ूंगा। अगली गुरु पूर्णिमा में आप सब लोग आगे बढ़कर आएंगे और ये कहेंगे कि हम गुरु पूर्णिमा में भाग ले रहे हैं, गुरु जी आप बोलो हमें क्या करना है, वो दिन मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। अभी लक्ष्मी मंत्र की साधना और लक्ष्मी साधना आपको प्रदान कर रहा हूं, आप सब लोग 15 मिनट के अंदर अंदर लक्ष्मी साधना लेकर आए। हनुमंतराव गारू, सतीश हनुमंतराव जी आए हैं, वो क्लासिकल सिंगर है, संगीत में अच्छी माहिरी रखते हैं, उनके हाथ से गाने सुनना चाहता हूं, भजन सुनना चाहता हूं, उनको भजन का प्लेटफॉर्म दे दो, वो भजन करेंगे। जो नौकरी प्राप्ति और इसके लिए धन प्राप्ति के लिए वो विशेष रूप से लोग आ जाए, उनको विशेष वस्तु मेरे हाथ से दूंगा। जिनको नौकरी नहीं है और नौकरी मिलने की और धन उपार्जन की बात करते हैं, उसको लक्ष्मी साधना का यंत्र और माला लेकर यहाँ पहुंच जाओ, मैं साधना करवाता हूँ। जिनका व्यापार ना चल रहा हो, जिनको नौकरी है, जिनको धन कमाने की कोई मार्ग नहीं है, और धन अनिश्चित रूप से आगे आ जाएगा, कल चला जाएगा, ऐसी जिनकी इच्छा है, उन सभी के लोगों के लिए मैं ये साधना दे रहा हूं। आप सभी लोग यहां पधारे, हनुमंतराव गारु भजन विनपించాలండి।
हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो इसका वॉल्यूम।